गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत डीएनए पैकेजिंग, किस प्रकार से डीएनए पैकेज में होता है। चलिए बच्चों, पहले इसको थ्योरी से शुरू करेंगे, फिर इसको समझेंगे। डीएनए पैकेजिंग, गुणसूत्र एक जो है अति कुंडलित एवं वलित डीएनए अणु होता है जो प्रोटीन अणुओं के साथ संयोजित रहता है। डीएनए लाखों डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड इकाइयों की एक लंबी श्रृंखला वाला पॉलीमर या बहुलक होता है, ऐसा आपको मालूम है। फॉर एग्जाम्पल, एशरिशिया कोलाई जीवाणु में डीएनए की लंबाई जो होती है 1.36 mm होती है तथा इसमें 4,377 जीन्स तथा 4.6 × 10 क्षारक युग्म पाए जाते हैं, बेस पेयर पाए जाते हैं। इसी प्रकार मानव गुण सूत्र जो होता है वो कितना होता है, 50 × 10⁶ टू लेकर के 36 × 10⁷ बीपी बेस पेयर लंबे होते हैं और मानव के आगुणित डीएनए में लगभग 3.3 बिलियन क्षारक युग्म पाए जाते हैं। ये सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज है, इतना आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो सुकेंद्रकी जीव रहते हैं उसमें जो न्यूक्लियोसोम है वो डीएनए पैकेजिंग की आधारभूत इकाई होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आउडेट ने न्यूक्लियोसोम नाम दिया था। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की बनी अर्धबेलनाकार रचना होती है। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हिस्टोन प्रोटीन कैसा होता है, क्षारीय होता है, कम अणुभार वाला होता है, धनात्मक आवेश वाली प्रोटीन होती है, 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 तथा H4। एक छठी जो होती है H5 हिस्टोन होती है, वो मछली एवं उभयचरों में पाई जाती है। इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन एवं आर्जिनिन अमीनो अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसमें ट्रिप्टोफेन का अभाव होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम के मध्य का क्रोड एक प्रोटीन ऑक्टामर होता है जो H2A, H2B, H3 एवं H4 हिस्टोन प्रोटीनों के दो दो अणुओं का बना होता है। इसी हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिपटे हुए डीएनए के 1.67 वामावर्त चक्र पाए जाते हैं जिसमें लगभग 146 क्षारक युग्म होते हैं। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहते हैं जिसकी लंबाई 80 क्षारक युग्म तक हो सकती है। H1 प्रोटीन न्यूक्लियोसोम का भाग नहीं होता, यह न्यूक्लियोसोम के आधार पर डीएनए के प्रवेश एवं निकास पर पाई जाती है। इसको हम आगे समझेंगे बच्चों भी डायग्राम के थ्रू। H1 प्रोटीन और उसके समरूप क्रोमेटिन संघनन में शामिल होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर असंघनित न्यूक्लियोसोम डीएनए की एक डोरी पर मोती जैसे दिखाई देते हैं। 6 न्यूक्लियोसोम पुनः कुंडलित होकर एक संरचना बनाते हैं जिसे सोलेनाइड कहते हैं। ये क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, सोलेनाइड किसे कहते हैं। सोलेनाइड पुनः कुंडलित होकर एक क्रोमेटिन तंतु बनाते हैं और क्रोमेटिन तंतु बड़े बड़े लूपों में वलित हो जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय डीएनए को प्रतिकृति होने के कारण लूप और संघनित होकर एक जोड़ी क्रोमेटिड का निर्माण करते हैं। अब हमको समझना है कि डीएनए की पैकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है तो वो कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन। बस ये आपको बेसिक याद रखना, ये होती है H1, H2A, H2B, H3, H4 ये होती है, जिनमें से H2A से लेकर के H4 तक की ये है। जैसे ये H2A, H2B, H3, H4 ये है हिस्टोन प्रोटीन, 2, 4 ऊपर और 4 नीचे। इसी प्रकार से सेम ये कितना बनाते हैं, टोटल 8 बनाते हैं। कितनी संख्या होती है इनकी, टोटल 8 होती है, एक वलय में 8 होते हैं। इसको बाइंड करता है और ये डीएनए का स्ट्रैंड जा रहा है, ये डीएनए स्ट्रैंड क्या है, ये डीएनए का स्ट्रैंड जा रहा है और ये इसको पूरा बाइंड करके रखा है। और एक इस लूप को क्या कहा जाता है, इस इकाई को कहा जाता है न्यूक्लियोसोम, और ये है H1। ये क्या है, H1, ये सहारा देने का कार्य करता है। अब एक ये पूरी यूनिट जो है, इसको मगर ऐसे समझाऊं,
ये एक पूरा न्यूक्लियोसोम, एक ये न्यूक्लियोसोम हो गया और एक ये न्यूक्लियोसोम हो गया। इन दोनों के बीच में जोड़ने वाले डीएनए को क्या कह दिया? लिंकर डीएनए। इसको कहते हैं लिंकर डीएनए। अगर क्वेश्चन आए कि लिंकर डीएनए किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाले डीएनए को लिंकर डीएनए कहा जाता है। इसको हम देखें, इस प्रकार से कई यूनिट बना लेता है। तो देखो ये यहाँ पे हमको समझ में आया, ये पूरा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम को यदि हम पूरा खोलते हैं तो इस प्रकार से सुपर कॉइल, जैसे धागे के ऊपर रील लिपटी रहती है ना, रील के ऊपर धागा लिपटा रहता है, उसी प्रकार से ये हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए थ्रेड जो है वो लिपटे हुए हैं। तो ये ऐसे सुपर कॉइल रहते हैं, बिल्कुल ऐसे संघनित अवस्था में रहते हैं। बाद में इसको यहाँ हम छोटे छोटे उसमें डीएनए का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो इट इज ऑल अबाउट डीएनए पैकेजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डीएनए रेप्लिकेशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।